इस वीडियो में बताऊंगा ब्लू स्टॉक एप्लीकेशन से गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी को रिमूव कैसे करें। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप किसी जीमेल आईडी से लॉगिन कर चुके हैं तो आप बीच में कभी भी जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्लू स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग ब्लू स्टॉक, प्लीज वेट। कुछ समय वेट करने के बाद यह पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। गाइज, ब्लू स्टॉक सॉफ्टवेयर से अकाउंट रिमूव करने के लिए सबसे पहले होम पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करें। यहाँ पर सभी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। गूगल प्ले स्टोर, सिस्टम ऐप पर क्लिक करें। एंड्रॉइड सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग्स ऑप्शन में आने के बाद पर्सनल के नीचे अकाउंट्स पर क्लिक करें। अब आप अकाउंट ऑप्शन के अंदर पहुंच चुके हैं। गूगल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं राइट साइड के सबसे ऊपर में 3 डॉट दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप पेज खुला है। रिमूविंग दिस अकाउंट विल डिलीट ऑल ऑफ इट्स मैसेज, कॉन्टेक्ट्स एंड अदर डाटा फ्रॉम द टैबलेट। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐप से सभी डाटा और अकाउंट रिमूव हो जाए तो आप रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फिर से आप किसी अदर जीमेल आईडी से लॉगिन करें तो आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करें। ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप गूगल पर क्लिक करें। यहाँ पर ब्लू स्टॉक एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन चेक करेगा। उसके बाद जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी टाइप करें। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस बॉक्स में पासवर्ड दर्ज करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर एग्री पर क्लिक करें। इसे भी एक्सेप्ट करें। गाइज, लॉगिन करने के बाद भी यहाँ पर ऐड अकाउंट दिखाई दे रहा है। जीमेल आईडी से लॉगिन हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं टैब को। होम में जाने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर यह प्ले स्टोर खुल गया है। इसका मतलब कि लॉगिन में हो चुका हूँ। इस तरह से आप कभी भी जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।